हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरे YouTube चैनल की सबसे हटके वीडियो है आज की। थोड़ा सा नोइजी है गाइस, क्योंकि मैं ब्रिज जो है वो क्रॉस कर रहा हूं और दोनों तरफ ये रोड बनी है हाईवे इधर भी। तो मैं बता दूं कि ये मेरे YouTube चैनल की सबसे हटके वीडियो है, क्योंकि आप सबको पता है कि सिंगापुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देख भी ली होंगी। उन्हीं में से एक ये आज फिल्म है कि शूटिंग हुई थी सिंगापुर में, और वो फिल्म आपने देख भी ली है, बहुत अच्छी फिल्म थी, सुपर दुपर हिट थी। तो कुछ सीन यहाँ की ली गई थी सिंगापुर से, तो मैं आप सबको वहीं लेके चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर शूटिंग हुई थी, जो उनका लोकेशन है वहाँ पर। बाकी ये सिंगापुर, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे हटके वीडियो है गाइस, इसको भी बहुत प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर ये बस स्टॉप है, तो मैं बस से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ। तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, और हम चलते हैं उस मूवी का जो नाम है मैं आपको बता दूंगा और लोकेशन पे पहुँच के। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं। जैसा कि आपने देखा, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये फुहारे टाइप का, उस पर ये जो रिंग टाइप का बना हुआ है, क्रिश 2 मूवी की शूटिंग हुई थी यहां पर। और ये ऋतिक रोशन यहां से जंप लेते हैं, ऊपर जाते हैं, वहां फुहारा जो मेन फुहारा चल रहा है अभी, वो जब ऊपर जाएगा तब ऋतिक रोशन इसके ऊपर जाके छलांग मारते हैं काफ़ी ऊँचे। तो ये जो है ना वो सेंटेक सिटी के नाम से, अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये लोगो लगा हुआ है, सेंटेक सिटी के नाम से एक ये जगह है। आप सेंटेक सिटी में ही पड़ता है, इसका नाम ही सेंटेक सिटी, तो आप यहाँ आकर भी देख सकते हैं। तो ये पहली लोकेशन है जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ, और यहाँ पर क्रिश 2 मूवी की शूटिंग हुई थी। क्रिश 2 यानी कि आपने देखा होगा, तो यहाँ पर वो ऐसे चढ़ के ऊपर से जंप लेते हैं पानी के थ्रू। तो मैं अभी एक वीडियो क्लिप लगा दूंगा, आप देख लेना और उसको मैच कर लेना। तो ये सेंटेक सिटी पहला लोकेशन है, यहाँ पर शूटिंग हुई थी। अभी मैं अपने बैक कैमरे से सब दिखाता हूँ अच्छे से, इसका जो लोकेशन है, जो पूरा चारों तरफ है काफ़ी बिल्डिंग, अच्छे अच्छे टावर्स बने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ऋतिक रोशन वहां से मतलब ऐसे आते हैं, और इस वाले जो पानी का फुहारा देख रहे हैं ना, इसका जो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तब ऋतिक रोशन इसके थ्रू जंप लेते हैं, फिर बाद में वो कहीं और चले जाते हैं। तो वो जो सीन है वहां, वो भी मैं लेके दिखाऊँगा, आपको लेके जाऊँगा मैं वो। तो ये एक लोकेशन है, ये सेंटेक सिटी, आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पर टावर बने हुए हैं, टावर 4, 3, 2, 1। इधर आप मॉल भी है, इसके अंदर थिएटर भी है, मूवी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इनमें ऑफिसेज हैं और नीचे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बगने हैं, फूड स्टॉल्स भी काफ़ी हैं। मैं बता दूं कि जो इसके चारों तरफ है ना, ये खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह बने हैं, और एक गेट है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा नीचे जाने की। तो गाइस आप आ सकते हैं यहाँ पर, वो मेन गेट है, वहाँ से आप इंटर लेके अंदर आ सकते हैं। और ये पीछे का ऊपर, ये तो बहुत अच्छा है, इसी यहीं पर ऋतिक रोशन ने जंप मारा था ऊपर गए थे, और ये उसका जो सेंटर यहाँ ऊपर, तो यहीं से वो जंप मार के ऊपर गए थे।
तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, आप आकर भी घूम सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। एक ये लोकेशन है, अब मैं चलता हूँ दूसरे लोकेशन पर। बाकी चारों तरफ यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफे वगैरह हैं। तो मैं चलता हूँ किसी और अदर लोकेशन पे जहाँ पे अदर जगह शूटिंग हुई थी। तो यह पहला लोकेशन है सेंटेक। सब्सक्राइब माई चैनल नाउ गाइस। तो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये फूड कोर्ट है। एक्चुअली इसको क्रिश 2 मूवी में दिखाया गया था, जब वो सेंटेक से वाटर जो फुआरा था वहाँ से जंप लेता है, तो वहाँ जाके वो जो घड़ी दिख रही ना, घंटा, वहाँ जाकर वो जाता है, जैसा कि मैं वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। तो ये रेफल प्लेस में है और इसका नाम है लव पासेट नाम है। तो मैं चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ कि अंदर से, क्योंकि फूड कोर्ट है, यहाँ पर वराइटी ऑफ खाना है। चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये लोफर सेट और यहाँ पे भी शूटिंग हुई थी क्रिश 2 मूवी की, जैसा कि देख सकते हैं आप। बारिश हो रही है हल्की हल्की और यहाँ पे हो भी चुकी है फिलहाल, अभी स्टार्ट दोबारा हो गई है। तो मैं चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ, यहाँ भी शूटिंग हुई थी। इसी फूड कोर्ट के ऊपर जो ये टॉप पर दिख रहा है ना, ये वहाँ पर वो ऋतिक रोशन जंप लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, जब नसरुद्दीन शाह का पीछा करते हैं, यानी कि जो विलन हमारे नसरुद्दीन शाह जो बने हैं उनका जो पीछा करते हैं, वो यहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर। तो यही है अंदर से फूड स्टॉल्स वगैरह हैं। तो अब मैं बारिश भी हो रही है, थोड़ा सा वेट करता हूँ, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ तीसरे लोकेशन पर। वो इधर है और सेंटेक से और ये जगह 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं बस से आया हूँ, तो अराउंड 10 से 15 मिनट लग गया है बस से। तो आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। ये फूड कोर्ट है और इधर शूटिंग हुई थी ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप दूसरे लोकेशन चलते हैं। तो यार बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मैं वहाँ फूड कोर्ट में रुक गया था। अब बारिश थम गई तो फिर मैं आया हूँ एक ये लोकेशन है। ये जो ब्रिज है ना, आपने इसको देखा होगा लास्ट में, मैं अभी दिखा दूंगा वो क्लिप। ऋतिक रोशन वहाँ से भागते हैं, वहाँ से ऐसे भाग कर जाते हैं सेंटेक की तरफ, वो जो पानी वाला फुआरा था ना उधर, उसकी तरफ जाते हैं वो, यहाँ से इधर से भाग के। तो ये जो है ना, ये फ्लोटन होटल के पास है, ये पीछे फ्लोटन होटल है और उसके पास ही ये पुल है जहाँ से भागते हैं। और वो जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ना, मैं चल के दिखाता हूँ, वो फिल्म में उस समय भी था और आज भी है। तो मैं चल के दिखाता हूँ वो रेड वाला, और वो यही ब्रिज है। पहले आप वो क्लिप देख रहे थोड़ी सी। दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ना, ये रेड कलर का, ये अभी वैसे का वैसा लगा हुआ है। मैं फोटो लगा दूंगा, देख लेना, सेम उसी तरह का अभी भी लगा हुआ है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो क्रिश 2 मूवी को उसको 16-17 साल हो गए हैं, तब से ये अभी भी लगा हुआ है। आपने फिल्म में भी देखा होगा, मैंने जो क्लिप डाली थी उसमें भी देखा होगा, फोटो में भी देखा होगा, ये अभी वैसे का वैसे लगा हुआ है और उस तरफ भी लगा हुआ है। तो ये ब्रिज है, ब्रिज के पास यहाँ से ऋतिक रोशन दौड़ के जाते हैं नसरुद्दीन साहब पीछे, उनके पीछे जाते हैं नसरुद्दीन साहब पीछे। अब चलते हैं हम एक अदर लोकेशन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं गाइस। आज का जो वेदर है ना, बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो फिर फाइनली मैं एक और लोकेशन पे पहुँच चुका था जहाँ पे शूटिंग हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्रिज, ये जो ब्रिज है अभी जो आपने देखा था वो दूसरा ब्रिज था, ये दूसरा ब्रिज है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ की सीन थी, उसके बाद आप देखेंगे वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, जो घर दिख रही है 3 स्टोरी का, 1, 2, 3 स्टोरी का, ये यहाँ पे एक जो सीन है, क्लाइमैक्स, मोस्टली क्लाइमैक्स जो सीन है शूट किया गया था, कि ऋतिक रोशन यहाँ से जंप लेते हैं ऐसे, इधर से यहीं कहीं से जंप लेते हैं ऐसे, तो दो नाव होती हैं उनके ऊपर से जाके उधर चले जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अपने बैक कैमरे से, और वो जो मूवी का जो रिकॉर्ड जो सीन है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो एक बार ये देखें, ये ब्रिज और यहाँ से ऋतिक रोशन जंप लेते हैं। एक वहाँ पर सीन था, वहाँ से भागते हैं, बट वहाँ की बनाई नहीं, वहाँ पर रेफल्स जो उनका स्टेचू है वहाँ से वो भागते हैं, फिर कट करके वो यहाँ से जंप लेते हैं, जो भागने का दिखाया है वो वहाँ से
काफी जहाँ से वो लोग आ रहे हैं, और जंप करने का सीन यहाँ से जंप ऐसे करके उधर गए थे और ये ब्रिज था। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसके बाद एक और लोकेशन है वहाँ भी लेके चलता हूँ गाइस। तो ये देखें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों यार। तो दोस्तों एक लोकेशन ये है और यहाँ पर भी शूटिंग हुई थी, मैं आपको दिखा दूँ पहले। ये जंबो रेस्टोरेंट है, जंबो सी फूड, इसको भी आपने देखा होगा। ये जो लिफ्ट है इसको भी देखा होगा, और ये जो ब्रिज है इसको भी देखा हुआ था। यहाँ पर शूटिंग हुई थी, यहाँ पर शूटिंग किस चीज़ की थी, जब एक चाइनीज़ मास्टर, कुंफू मास्टर, अपनी सिस्टर के लिए एक दिखाता है पैसे के लिए, ऑपरेशन के लिए, तो यहीं पर शूटिंग होती है। फिर ऋतिक रोशन भी देखते हैं उसको इधर से, इस तरफ से, क्योंकि वो जो अभी बिल्डिंग में आपको दिखाऊंगा वो बहुत फेमस है, मूवी में भी बहुत फेमस है, वैसे भी बहुत फेमस है। तो उसकी जो लाठी वो टूट जाती है, वो गिर जाता है, तो चोट लग जाती है अगर देखना आप। उसके बाद ऋतिक रोशन जो है ना अपना कर्तव्य दिखाते हैं, तो वो यहीं की सीन है, यहीं पर दिखाया गया था। तो ऐसा है गाइस, ठीक है, मैं आपको अभी वो बिल्डिंग दिखाता हूँ, ठीक है, जो कलरफुल है, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह की उसमें विंडो खिड़की लगी हुई है, तो वो भी दिखाता हूँ। तो फिलहाल ये सीन है, मैं अभी बैक कैमरे से दिखा दूँगा अच्छे से, देख लेना। तो यहाँ पर भी शूटिंग हुई थी यार, क्रिस 2 की मूवी की शूटिंग। सेम इसी तरह की नाव होती है, जो नाव जा रही है ना, सेम इसी तरह की नाव होती है जिस पे ऋतिक रोशन जंप लगाते हैं, पैर रखकर इस पर रखेंगे, फिर दूसरे वाले पर रखेंगे, उससे वो जंप लगाते हैं। तो इस तरह का एक नाव था, जो जारी नाव, वो वहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, तो ये नाव है और इसमें भी लोग एंजॉय करते हैं, आप भी टिकट लेके बाय कर सकते हो। मैं एक चीज़ बताऊँ, तो ये आप जंबो रेस्टोरेंट देखें ना, जंबो रेस्टोरेंट, जब मैं सिंगापुर पहली बार स्टडी करने आया था ना, तो मेरी OGT इसी कंपनी में लगी थी, जंबो रेस्टोरेंट में, जंबो चुआलीम, एक अदर सेम ऑनर की एक अदर ब्रांच थी न्यूटन में, वहाँ पर मैंने OGT की थी अपनी सेम। यहाँ पे मेरे फ्रेंड की जो मेरी क्लासमेट थी ना, उनकी OGT लगी थी, मैं मिलने भी आया था, तो अभी वो याद आ गया, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। काफ़ी छः साढ़े छः साल पुरानी बात है ये, यही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी गाइस यार, तो ज़रूर बताना, आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर इस बारिश में वीडियो बना रहा हूँ, और इस तरह की कई सारी वीडियो लाऊंगा, बहुत मूवी की शूटिंग हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो ऋतिक रोशन खुद शो दिखाते हैं, वो लाठी वाला जो भी है, कुंफू कराटे, वो जो है ना वो मैं दिखाता हूँ अपने कैमरे से, और जो पीछे की बिल्डिंग है उसको अच्छे से देखिएगा। सो माय गाइस, माय दोस्तों, मेरे भाई, सब लोग, आज की वीडियो में इतना ही। आपको मैंने बहुत सारी लोकेशंस दिखा दी हैं, जहाँ जहाँ पे शूटिंग हुई थी क्रिस 2 मूवी की, आज से 16-17 साल जो पहले शूटिंग हुई थी, उसके बाद काफ़ी सारा चेंजेस भी हुआ है सिंगापुर में, आप देखा होगा। और ये बिल्डिंग है जहाँ पर शूटिंग हुई थी, और बैकग्राउंड में इसको दिखाया गया था, बैकग्राउंड में। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप इस वीडियो को लव करेंगे, प्यार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो और भी सीन्स हैं क्रिस 2 की, जो यहाँ पर सुनी थी और जगहों पर, वहाँ की भी वीडियो बना के आपको दिखाऊँ। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, इस तरह बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अदर मूवी की लोकेशंस वगैरह। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ।